नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में स्कूली बच्चों के बीच मुफ्त में किताबों का वितरण। के पाठक छोड़ेंगे शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पद। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती फेज 3 परीक्षा की तिथि की घोषणा। बिहार के इस जिले में 6 दिनों के लिए रोजगार मेले का आयोजन। 1 मार्च से बदल जाएंगे ये नियम, जो आपके जेब पर डाल सकते हैं असर। कई बीमारियों की दवा हुई सस्ती। भारत और इंग्लैंड के बीच अंतिम टेस्ट मैच के लिए टीम का हुआ ऐलान। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर इस कंपनी में निकली भर्ती। मैनेजमेंट ट्रेनी के रिक्त पदों पर सिंगरेनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड द्वारा भर्ती निकाली गई है। आज से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मार्च 2024 है। ये भर्ती कुल 213 रिक्त पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार sccl.minds.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपये लिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देना होगा। इस लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के कट ऑफ तैयार किए जाएंगे, फिर उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में स्कूली बच्चों के बीच मुफ्त में किताबों का वितरण। बिहार में स्कूली बच्चों के बीच मुफ्त में किताबों का वितरण किया जा रहा है। बिहार सरकार कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के बीच मुफ्त में पुस्तकों का वितरण कर रही है। इसके पीछे सरकार का मकसद है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मालूम हो कि समग्र शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी छात्र छात्राओं को फ्री में किताबें मिल रही हैं। साल 2024 से 2025 में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सभी छात्र और छात्राओं को पाठ्य पुस्तक वितरित करने का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें कि पहले अभिभावकों के खाते में पैसे भेजे जाते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है। अब किताबें सीधे बच्चों को दी जाएंगी। बिहार में अपराध नियंत्रण विधेयक विधानसभा में पास। बिहार में अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा में पास हो गया है। बता दें कि बीते दिन विधानसभा में 10 विधेयक को पारित किया गया है। राज्य में अब माफिया और बदमाशों पर और अधिक सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ये नया कानून लागू हो जाएगा। इसके अनुसार राज्य के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, महत्वपूर्ण संस्थान, बस स्टैंड, खेल मैदान, सार्वजनिक संस्थान, रेलवे परिसर आदि में CCTV कैमरा लगाया जाएगा। इससे अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। नए विधेयक में 10 धाराएं हैं। ये CCTV फुटेज 30 दिनों तक सुरक्षित रहेगा। इस अधिनियम के तहत जिलाधिकारी के द्वारा अपराधियों के खिलाफ आदेश जारी किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार अब पुलिस बालू माफिया, शराब तस्कर और जमीन माफिया सहित अन्य अपराधों में शामिल लोगों को सीधे जेल भेजेगी। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे चिरांद के बारे में। यह स्थान बिहार के सारण जिले में स्थित जिला मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में घाघरा नदी के उत्तरी तट पर डोरीगंज बाजार के निकट मौजूद है। यहाँ पाषाण युग के विकसित संस्कृति के बारे में खुदाई के दौरान पता चला था, जो करीब 4000 वर्ष पुरानी है। यही वो स्थान है जहाँ पूरे भारत में नवीन पाषाण युगीन संस्कृति प्रकट हुई थी, जिसके बाद यह स्थान एक महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र के रूप में उभरा था। उस दौरान लोग यहाँ पशुपालन, कृषि और शिकार किया करते थे। यदि आपको पुरातात्विक चीजों को जानने का शौक है तो आप यहाँ भ्रमण के लिए आ सकते हैं। 1 मार्च से बदल जाएंगे ये नियम, जो आपके जेब पर डाल सकते हैं असर। आज महीने की पहली तारीख है। देश में हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। हर महीने की पहली तारीख को होने वाले ये बदलाव आम आदमी के जेब पर सीधे असर डालते हैं, इसलिए इन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। होने वाले इन बदलावों में सबसे पहले बात करते हैं GST के नियमों में हुए बदलाव के बारे में। तो आपको बता दें कि इस महीने से बिना ई चालान के ई वे बिल 5 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इस बार LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ सकते हैं। साथ ही यदि आपने फास्टैग KYC अपडेट नहीं करवाए हैं तो उसे ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस महीने में 14 दिन तक बैंक बंद रह सकते हैं। बिहार में जमाबंदी से जुड़े समस्या का निदान करने के लिए लगेंगे शिविर। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने नया नोटिफिकेशन लाया है। इसके बाद कचहरी का परिसर सुना हो चुका है। इस नियम के अनुसार जिसके नाम पर जमीन की जमाबंदी होगी वही जमीन की रजिस्ट्री कर सकेंगे। इस कारण पिता या दादा के नाम से जमीन होने पर उसकी खरीद बिक्री करना संभव नहीं हो सकेगा। क्रय और विक्रय से होने वाले झगड़ों को कम करने के लिए इस योजना को लाया गया है।
वहीं जिनके पूर्वजों के नाम से जमाबंदी है उनके लिए राज्य के सभी अंचलों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इनकी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने ये नया कदम उठाया है। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ये शिविर लगाया जाएगा। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती फेज तीन परीक्षा की तिथि की घोषणा। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती फेज तीन की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार 15 और 16 मार्च को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दो पाली में परीक्षा ली जाएगी। इसका एडमिट कार्ड मार्च के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थी वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि तीसरे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होगा। ये परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। भाग एक में भाषा विषय की परीक्षा लेना तय किया गया है। भाग दो में सामान्य अध्ययन और भाग तीन में संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। ओल, हल्दी और अदरक की खेती पर मिलेगा अनुदान। बिहार सरकार के कृषि विभाग की एकीकृत उद्यान विकास योजना के अंतर्गत अंतर्वर्ती फसलों अभियान योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत किसानों को ओल, हल्दी और अदरक की खेती पर प्रति इकाई की लागत पर 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को horticulture.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद इसमें उपलब्ध अंतर्वर्ती फसल कार्यक्रम पर अप्लाई किया जा सकता है। यहां दिए गए जरूरी दिशा निर्देश का भी पालन करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि इस स्कीम के जरिए सरकार ओल, हल्दी और अदरक आदि की खेती को बढ़ावा दे रही है। कई बीमारियों की दवा हुई सस्ती, भारत में करोड़ों लोग के लिए अच्छी खबर है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA जो दवाओं की कीमत को तय करती है, इसने डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों ही बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली करीब 69 दवाओं की कीमत को कम कर दिया है। इन दोनों ही बीमारियों के 69 दवाओं का खुदरा मूल्य तय किया गया है। वहीं 31 फॉर्मुलेशन वाली दवाओं की कीमत पर सीलिंग लगाने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब है कि इसे मूल्य से अधिक दाम से बेचना संभव नहीं हो पाएगा। NPPA के नए नोटिफिकेशन के बाद मधुमेह, दर्द निवारक दवाई, हृदय रोग, जोड़ों के दर्द से जुड़ी दवाइयां और 4 विशेष फीचर प्रोडक्ट्स की कीमत में कमी होगी। बिहारी बात रे स्पेशल में आज हम बात करेंगे माननीय नीतीश कुमार के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1951 में बख्तियारपुर बिहार में हुआ था। ये जनता दल यूनाइटेड से ये बिहार की राजनीति में अपना राजनीतिक महत्व रखते हैं। हालांकि इन्होंने वर्ष 1977 में अपना पहला चुनाव जनता पार्टी के टिकट से लड़ा था। वर्ष 1985 में ये बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। वर्ष 2005 से लेकर अब तक इन्होंने मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़ा है और सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी बने हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने जनहित में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जा रही कई योजनाएं मुख्य रूप से शामिल हैं। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें पोलियो उन्मूलन चैंपियनशिप अवार्ड, JP स्मारक पुरस्कार आदि शामिल हैं। KK पाठक छोड़ेंगे शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पद। जल्द ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक दिल्ली जा सकते हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर KK पाठक द्वारा बिहार सरकार को पत्र लिखा गया था। इसके बाद सरकार द्वारा इसे लेकर हरी झंडी मिल चुकी है, साथ ही NOC भी दिया जा चुका है। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद KK पाठक जल्द ही छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि KK पाठक द्वारा जारी किए जा रहे फरमानों से कई शिक्षक परेशान थे। कई शिक्षकों ने तो KK पाठक के कई फरमानों का विरोध भी किया था। बिहार के जिले में 6 दिनों के लिए रोजगार मेले का आयोजन। बिहार के बेगूसराय जिले में जिला नियोजनालय के जरिए 6 दिनों का रोजगार मेला लगाया जाएगा। आपको बता दें कि 7 से 14 मार्च तक जिले के अलग अलग प्रखंडों में जॉब कैंप लगेगा। निजी कंपनी की ओर से 1200 पदों पर युवाओं की बहाली की जाएगी। इसमें सुरक्षा सुपरवाइजर के 200 पद हैं। इसके अलावा सुरक्षा जवान के 500 और स्वान दस्ता के 500 पद पर भर्ती ली जाएगी। बताया जाता है कि ये जॉब कैंप केवल पुरुषों के लिए लगाया गया है। उम्र की सीमा 21 से 36 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 17,000 से लेकर 24,000 तक की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में बिहार के सिपाही पर कार्रवाई। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया जेल में तैनात सिपाही पर कार्रवाई हुई है। पेपर लीक मामले में STF ने इसे हिरासत में लिया है। फिलहाल इसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। हालांकि पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवगछिया के जेल में तैनात सिपाही मूल रूप से बेतिया का रहने वाला है। इसके व्हाट्सएप से पेपर लीक से जुड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
जमीन किसके नाम पर है पता करना संभव? किसी व्यक्ति से जमीन खरीदने के दौरान ये पता करना संभव है कि ये जमीन किसके नाम पर है। इस जानकारी को ऑनलाइन पता किया जा सकता है। इसके लिए आपको राजस्व विभाग के वेबसाइट biharbhumi-bihar-gov.in पर विजिट करना होगा। कुछ साल पहले तक इसकी जानकारी के लिए पटवारी से लेकर राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। अब राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर आपको अपने जिले की जानकारी देनी होगी। इसके बाद तहसील के नाम की भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आप जहाँ की भी जानकारी चाहते हैं गांव आदि का विवरण भरना होगा। खातेदार के नाम आदि का चयन करके जमीन के मालिक के नाम का पहला अक्षर टाइप करना होगा। इसके बाद तमाम नाम की लिस्ट आपके सामने होगी। बिहार में अग्निवीर बहाली की परीक्षा को लेकर सामने आई अपडेट। बिहार में अग्निवीर बहाली के 12 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए अपडेट सामने आई। इसके अनुसार अग्निवीर बहाली के लिए 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल और सहरसा शामिल हैं। इन जिलों के इच्छुक अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। मालूम हो कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 फरवरी से जारी है। जानकारी के अनुसार 2 चरणों में अग्निवीरों की बहाली ली जाएगी। इसमें पहले चरण के आवेदक ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। धूप के कारण भरा तापमान। बीते ही दिन प्रदेश के कई जगहों पर कड़ी धूप के कारण गर्मी देखी गई। धूप निकलने के कारण प्रदेश के कई जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अभी भी प्रदेश में कई जगहों पर सर्दी पछुआ हवा और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की स्थिति बनी हुई है। आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, लेकिन आने वाले 3 दिनों में प्रदेश के कई जगहों पर बारिश की स्थिति भी बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पीएम किसान योजना की रुकी राशि लेना संभव। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी हो चुकी है। करोड़ों किसानों को 16वीं किस्त के 2000 रुपए की राशि मिल चुकी है। वहीं कई किसान ऐसे हैं जिन्हें ये राशि नहीं मिली है। राशि नहीं मिलने पर किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे किसानों के पास अगर अपनी जमीन है तो उनके खाते में ये किस्त जरूर आएंगी। सरकार की ओर से इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1-5-5-2-6-1 या 1-8-0-0-1-1-5-5-2-6 के साथ ही 0-1-1-2-3-3-8-1-0-9-2 पर इससे जुड़ी परेशानी के लिए संपर्क किया जा सकता है। इस नंबर पर कॉल करने पर आपको जानकारी दी जाएगी कि आपके खाते में अब तक पैसा क्यों नहीं पहुंचा है। लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती के लिए कई लोगों ने किया प्रदर्शन। पटना में लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती और नए पदों के सृजन के लिए कई लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के स्कूलों में लाइब्रेरियन की भर्ती की मांग की है। इनका कहना है कि बिहार के स्कूलों में लाइब्रेरी तो है लेकिन लाइब्रेरियन नहीं है। इन्होंने सरकार से अविलंब प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग की है। राजधानी के कारगिल चौक पर राज्य के अलग अलग हिस्सों में आए सैकड़ों लाइब्रेरियन ने प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि सरकार की ओर से शिक्षकों की बहाली ली जा रही है, इसी प्रकार से लाइब्रेरियन की भी भर्ती हो। इनके अनुसार 16 सालों से ये रोजगार के इंतजार में है। बिहार के मुख्यमंत्री करेंगे विदेश की यात्रा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश की यात्रा करेंगे। उन्होंने अपने पासपोर्ट को रिन्यूएबल करवा लिया है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री 2 मार्च को विदेश के लिए रवाना हो सकते हैं। इसके बाद वे 8 मार्च को वापस लौटेंगे। चर्चा हो रही है कि सीएम ब्रिटेन की यात्रा पर जा सकते हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे थे और यहां उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को जमा कर आवश्यक प्रक्रिया को पूरी की। इसके बाद सीएम ब्रिटेन में साइंस सिटी में जाकर अवलोकन और अध्ययन करेंगे। बताया जाता है कि यूके में आधुनिक तकनीक की मदद से साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का बयान, आरजेडी नई सोच के साथ बनाएंगी नई बिहार। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहरसा पहुंचे। यहां हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बीपी मंडल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सभी से 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में पटना आने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं चलने वाला है और हम लोग नई सोच के हैं, नया बिहार बनाएंगे। चाचा जी तो पलट गए लेकिन हमें मौका मिलेगा तो 10 लाख नौकरी देंगे। हमने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख सरकारी बहाली की है। आपको बता दें कि 300 किलोमीटर की यात्रा का तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं। 20 फरवरी से जनविश्वास यात्रा की शुरुआत हुई थी, वहीं अब 3 मार्च को महागठबंधन की बड़ी रैली होगी। विधायकों को खरीदने के आरोप पर विजय सिन्हा ने राबड़ी देवी पर साधा निशाना। बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भाजपा पर आरजेडी के विधायकों को 10 करोड़ में खरीदने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राबड़ी देवी पर निशाना साधा है। उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विधायकों को खरीदने की शुरुआत आरजेडी ने की थी, भाजपा का ये काम नहीं है।
मालूम हो कि महागठबंधन के 6 विधायक अब तक पाला बदल चुके हैं। इसमें आरजेडी के 4 और कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक शामिल हैं। इसके बाद बिहार में सियासी पारा गरमाया हुआ है। भाजपा और जदयू पर राबड़ी देवी ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए में दिए गए हैं। लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। इस पर विजय सिन्हा ने राबड़ी देवी पर पलटवार किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच अंतिम टेस्ट मैच के लिए टीम का हुआ ऐलान। भारत और इंग्लैंड के बीच अंतिम टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है। केएल राहुल को उनकी इंजरी के कारण टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह दी गई है। चौथे टेस्ट मैच में बुमराह को वर्कलोड को लेकर रेस्ट दिया गया था। वहीं अब आखिरी टेस्ट मैच में इन्हें शामिल किया गया है। मालूम हो कि इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल एक ही मुकाबले का हिस्सा बन सके। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में काफी अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन चोट की वजह से वे अन्य मैचों का हिस्सा नहीं बन सके हैं। बताया जाता है कि वे लंदन में विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उन पर कड़ी नजर रख रही है। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, केएस भारत, देवदत्त पेड्डीकल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, आकाश जी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2008 में निजी क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने न्यूयॉर्क में अपनी शाखा खोली थी। आज के दिन वर्ष 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने चावला को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की घोषणा की थी। आज के दिन वर्ष 2010 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि समेत व्यापार, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति आदि क्षेत्रों में 10 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। और हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-1 से हराया था। सोशल मीडिया एक्स पर मिलेगी ऑडियो और वीडियो कॉल की सुविधा। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस प्लेटफॉर्म को लेकर ऐलान किया गया है कि अब इस प्लेटफॉर्म पर सभी यूजर्स ऑडियो और वीडियो कॉल के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस घोषणा से पहले ये फीचर की सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलती थी जिनके पास ब्लू टिक था और उन्होंने इसके लिए सब्सक्रिप्शन लिया था। हालांकि अब आम यूजर भी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी मदद से आप अब किसी को भी कॉल कर सकेंगे। यदि आपके फोन में एक्स प्लेटफॉर्म पर अभी तक ये सुविधा नहीं पहुंची है तो अपने एक्स को अपडेट करें या फिर कुछ दिनों का इंतजार करें। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे भारतीय अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी एक पत्र के बारे में। सोशल मीडिया के इस जमाने में कई ऐसी खबरें वायरल होती रहती हैं, लेकिन सभी खबरें सही हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी एक पत्र में प्राप्तकर्ता पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने के साथ ही इस पत्र का जवाब भी प्राप्तकर्ता से मांगा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। ये पत्र पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके बताया है, जहां कहा गया है कि इस तरह के वायरल हो रहे पत्र पर विश्वास ना करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है 24 फरवरी, ऑप्शन बी है 25 फरवरी, ऑप्शन सी है 26 फरवरी, ऑप्शन डी है 28 फरवरी। इसका सही उत्तर है 28 फरवरी। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है टाटा, ऑप्शन बी है अंबानी, ऑप्शन सी अदानी ग्रुप, ऑप्शन डी है अनिल अग्रवाल। इसका सही उत्तर है अदानी ग्रुप। ऑल इंडिया लिमिटेड कहां पर अपना पहला वैश्विक सहयोगी रोड शो आयोजित करेगा? ऑप्शन ए है अबू धाबी में, ऑप्शन बी है सऊदी अरब में, ऑप्शन सी है मालदीव्स में, ऑप्शन डी है श्रीलंका में। इसका सही उत्तर है अबू धाबी में। मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब का दरगाह कहां स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार शरीफ में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है मनेर में, ऑप्शन डी है भागलपुर में। इसका सही उत्तर है बिहार शरीफ में। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए है आद्र, ऑप्शन बी है शुष्क, ऑप्शन सी है आद्र शुष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
का संयुक्त है आज। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है गुनर शर्मा, पंकज कुमार दास, राजीव कुमार, राजकिशोर महतो, विद्यासागर, एस रिजवी, नवल किशोर झा, रुदल चौपाल, रिसु कुमारी, मोतीलाल कुमार, गौरव सादुल्ला पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, पवन सिंह, शोभानंद ठाकुर, धीरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में अब तक के मुख्यमंत्रियों में आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है और क्यों है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।